नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। तीन कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन पर लगातार हिंसात्मक होने के आरोप लग रहे हैं। क्या केंद्र सरकार, क्या हरियाणा की खट्टर सरकार हर तरफ से अब किसान आंदोलन को हिंसा के नाम पर घेरने की कोशिश की जा रही है? लेकिन इसी बीच अब किसानों ने किसान आंदोलन में हिंसा को रोकने के लिए, उसे कहीं ना कहीं अपने काबू में करने के लिए एक बेहद बड़ा कदम उठाया है। जी हां, अब किसानों ने फैसला लिया है कि अगर संसद तक कूच किया जाएगा तो उसमें सभी किसान अपने हाथ बांधकर मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस प्रकार की हिंसा किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले में हुई, दिल्ली में हुई, उसके बाद से किसानों और सरकार के बीच जो वार्ता है वो पूरी तरह से बंद है। हालांकि 11 बार जो बातचीत है वो सरकार के साथ किसान कर चुके हैं, लेकिन अभी सरकार और किसानों के बीच किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। इसे लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था और उनसे भी अपील की थी कि वही अब इंटरवीन करें और किसानों और सरकार के बीच बातचीत करवाएं। लेकिन सरकार की ओर से भी अभी बातचीत को लेकर कोई न्योता नहीं दिया गया है। अभी भी सरकार अपने ही स्टैंड पर अड़ी हुई है। ऐसे में अब किसान नेता जो 7 महीने से किसान आंदोलन में मौजूद हैं, उनके सब्र का बांध टूट चुका है, इसीलिए एक बार फिर से दिल्ली में घुसने की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात और खास बात ये कि इस बार संसद कूच को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसानों ने फैसला लिया कि इस बार किसी भी तरह की हिंसा न हो, इसीलिए किसान अपने हाथ रस्सी से बांधकर ही संसद तक कूच करेंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा से अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने किसानों से उनकी राय मांगी है, साथ ही साथ किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए उनके सुझाव देने की अपील भी की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो किसान नेता हैं किसान आंदोलन में 2 बार संसद कूच की बात कर चुके हैं, इसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसे देखते हुए हिंसा के डर से दोनों बार ही संसद का जो कूच है, संसद को लेकर जो मार्च निकालना था उसे कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि तीसरी बार जब किसान एक बार फिर से कहीं ना कहीं संसद के भवन के परिसर तक मार्च निकालने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बड़ा फैसला यही लिया गया कि इस बार जो भी किसान संसद मार्च तक जाएंगे उनके दोनों हाथ रस्सी से बंधे होंगे, यानी किसी भी तरह की कोई भी हिंसा की कोई भी गुंजाइश इस संसद मार्च के दौरान किसान नेता नहीं चाहते। और बड़ी बात यही कि किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि जो भी किसान संसद मार्च के दौरान अपने हाथ रस्सी से बांध कर जाएंगे केवल उन्हें ही किसान माना जाएगा। उसके अलावा जो भी किसान अगर अपने हाथ बांधने से इनकार करते हैं उन्हें आंदोलनजीवी समझा जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन से अलग कर दिया जाएगा और उनकी कोई भी जिम्मेदारी किसान नेताओं की नहीं होगी, ना ही अगर पुलिस के साथ कोई भी झड़प होती है, पुलिस यदि रोकने की कोशिश करती है तब भी ये फैसला लिया गया है कि किसान जिनके हाथ बंधे हुए हैं किसी भी तरह की कोई भी झड़प जो है वो पुलिस के साथ नहीं करेंगे। यानी 26 जनवरी को जो बड़ी घटना ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई उससे सबक लेते हुए किसान नेताओं ने ये बड़ा फैसला लिया है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार किसान आंदोलन को हिंसात्मक होने के को लेकर हमला बोल चुके हैं, ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण था कि इस तरह का कोई कदम किसान नेताओं की ओर से उठाया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्द ये जो संसद कूच की बात कही जा रही है वो किसान कहीं ना कहीं कूच करने का फैसला लेते हैं, कब ये मार्च निकाला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये ही कि आखिर जब किसान दोनों हाथ बांधकर अपने लोकतंत्र लड़ाई के लिए दिल्ली में संसद के परिसर भवन तक मार्च निकालेंगे तब जो तस्वीरें आएंगी वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि एक बड़ा संदेश, जी हां, किसान आंदोलन में इस प्रकार का संदेश जो नेता हैं वो देने की कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी।